हेलो गाइस, वेलकम टू बिहारी भूखर। आज मैं आप लोगों के लिए पनीर बटर मसाला की रेसिपी लेके आई हूँ। देखिए, मैंने सबसे पहले पैन को गर्म कर लिया है, उसमें थोड़ा सा बटर डाला हुआ है। बटर को थोड़े देर के लिए पिघलने दें। जब बटर थोड़ा पिघल जाए तो फिर हम उसमें थोड़ा सा गर्म मसाला डालेंगे। गर्म मसाला को बटर में गर्म करना है। 4-5 पीसेस मैंने उसमें डाला हुआ है, उसे भी हमें साथ पकाना है। 2 प्याज मैंने पहले से काट करके रखा था, इन सभी को हल्का रेड होने तक भूनना है। दो से तीन पीस मैंने इसमें हरी मिर्च का डाला हुआ है, 1 तेजपत्ता डाला है। इसे भी अच्छे तरह से बटर में मिलाएंगे। 1-1.5 पीस टमाटर का डाला हुआ है, उसे एक साथ सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाना है। थोड़ी देर के लिए उसमें पकाना है। अब देखिए, मैंने मसाले के लिए ये तैयार कर लिया है और इसका पेस्ट मैंने बना करके रखा हुआ है। अब फिर से मैंने पैन को गर्म करने चढ़ाया है। थोड़ा सा आप जैसे देख सकते हैं, थोड़ा सा बटर डाला हुआ है। अब बटर को थोड़े देर तक पिघलाना है। जब बटर पूरी तरह से पिघल जाए, थोड़ी थोड़ी देर में उसे चलाते रहें ताकि बटर जले नहीं। अब मैंने 2 हरी मिर्च डाला हुआ है, 2 प्याज मैंने पहले से काट करके रखा हुआ था, उसे उसमें डालेंगे और अच्छी तरह से बटर के साथ प्याज को मिलाएंगे। इसे हल्का रेड होने तक हमें पकाना है और साथ ही साथ गलाना भी है। देखिए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पकने भी लगा और गलने भी लगा। अब उसमें हम नमक डालेंगे, अब थोड़ा सा हल्दी, 1/2 टेबल स्पून के बराबर मैंने हल्दी डाला है, और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून मैंने डाला हुआ है, और कश्मीरी मिर्च 1 टेबल स्पून डाला हुआ है। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरह से मिलाएंगे और फिर 1/2 कप पानी डालेंगे और मिलाएंगे। यहाँ मैंने पहले से मसाला का पेस्ट तैयार करके रखा हुआ है। अब देखिए, ये थोड़ा थोड़ा भुना गया। अब उस पेस्ट को इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहें ताकि मसाला अंदर जले नहीं। और देखिए, हल्का हल्का मसाले का पानी जलना शुरू हो गया है और मसाला भुजाना शुरू हो गया है। अब मैंने घर में तैयार करके क्रीम पहले से तैयार करके रखा हुआ था, वो डालेंगे और अच्छी तरह से उसे मिलाएंगे। देखिए, अब मसाला पक चुका है। इसमें मैंने पनीर के सारे पीसेस को डाल दिया है और इसे अच्छे तरह से मिलाना है। थोड़ी थोड़ी देर में इसे अच्छे से मिलाते जाएं। देखिए, धीरे धीरे मसाला और पनीर साथ में पकने लगा है। अब 1/2 कप मैंने पानी का डाला हुआ है, उसे भी साथ में अच्छे तरह से मिलाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें ताकि मसाला अंदर सटे नहीं। देखिए, अब बटर दिखने लगा है, इसमें तेल छूटने लगा है और ये भुना जा चुका है। अब हमारी पनीर बटर मसाला की बेहतरीन रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। देखिए, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें हमारे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।